हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है दल शिक्षण के उद्देश्य व सिद्धांत। बच्चों, मैं जो आपको दल शिक्षण के बारे में पढ़ा रही थी, जिसे हम सहकारिता शिक्षण विधि भी कहते हैं, टीम टीचिंग भी कहते हैं, समूह शिक्षण भी कहते हैं, इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको इसका अर्थ और इसकी परिभाषा के बारे में बताया। इस वीडियो में मैं आपको दल शिक्षण के उद्देश्य व सिद्धांत के बारे में बताऊंगी। इसके बारे में मैं इसके बाद मैं आपको इसके प्रकार बताऊंगी कि इसके कौन कौन से प्रकार है। बच्चों, जो इसके शिक्षण के उद्देश्य होता है, क्योंकि जब भी हम कोई महत्वपूर्ण बिंदु लेते हैं, क्योंकि हमारे महत्वपूर्ण बिंदुओं में उनके उद्देश्य छिपे रहते हैं कि हम आखिर उसे क्यों प्रयोग में ले रहे हैं, उसका हमारा क्या एम होता है, जिससे कि हम हमने वो कार्य करना शुरू किया। तो इसीलिए मैंने इसमें दल शिक्षण में आपको ये बताने जा रही हूँ कि दल शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं, क्या एम होता है कि हम उसे क्यों प्रयोग में लेते हैं, और फिर मैं इसके बाद आपको सिद्धांत के बारे में बताऊंगी कि दल शिक्षण के सिद्धांत किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा दल शिक्षण के उद्देश्य, यानी कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, उद्देश्य के बारे में। सर्वप्रथम इसका प्रथम उद्देश्य है शिक्षकों की उपलब्ध संख्या में से विशेषज्ञों का सर्वोत्तम उपयोग। हमने देखा हमारे विद्यालय या महाविद्यालय में अनेकों हमारे शिक्षक व्याख्यातागण होते हैं, लेकिन उन्हीं संख्या में से जो शिक्षकों की जो संख्या होती है, जितने शिक्षक होते हैं, उनमें से हम जो सबसे अच्छे उस विषय के विशेषज्ञ होते हैं, हम उसी का ही चयन करते हैं। ये इसका उद्देश्य होता है इसकी टीम टीचिंग का, कि हमें जो शिक्षक जो टीम टीचिंग करवा रहे हैं, वो शिक्षक कैसे हैं, उस टीचिंग में पारंगत है, या वो विषय विशेषज्ञ है, या हम कहें वो सबसे बेस्ट है। इसीलिए कहा गया इसमें कि शिक्षक की उपलब्ध संख्या में से विशेषज्ञों का सर्वोत्तम उपयोग, यानी कि जो संख्या हमारे पास शिक्षक है, उनमें से हम किसी एक विशेषज्ञ को सर्वोत्तम, इसके रूप में जो सबसे अच्छा होता है, उसे हम टीम टीचिंग के लिए उसका चयन करते हैं। तो इसमें प्रथम आ गया हमारा विशेषज्ञों का सर्वोत्तम प्रयोग। फिर दूसरा है हमारा कौशलों द्वारा शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, यानी कि जो शिक्षक के, इसमें हमने कहा कि जो टीम टीचिंग करवाते हैं शिक्षक, उनके कौशल में, यानी कि उस कौशल में वो कैसे होते हैं, कौशल का पारंगत होते हैं। तो कहते हैं कि कौशल द्वारा शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करते हैं, कि जो शिक्षक इस चीज की पारंगता हासिल करे हुए हैं टीम टीचिंग करवाने का, वो हमें उनके माध्यम से जो हमारी शिक्षा की गुणवत्ता है, उसमें सुधार होता है, कि किस तरीके से एक से ज्यादा अध्यापक मिलकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और ज्यादा कितना अच्छा। क्योंकि अगर हम मानते हैं कि जब हमें एक टीचर से या एक से ज्यादा टीचर से हमें उस टॉपिक का ज्ञान मिलता है, तो क्या होगा, हमारे ज्ञान में वृद्धि, अर्थात हमारी जो शिक्षा की गुणवत्ता है, उसमें दिन प्रतिदिन बहुत अच्छा सुधार होगा। तो इसके लिए कहेंगे कि जो हमारे शिक्षण की गुणवत्ता है, उसको सुधारने के लिए हम टीम टीचिंग का प्रयोग करते हैं। फिर आता है हमारा अधिगम प्रक्रिया में सहयोग तथा दल में धनात्मक दृष्टिकोण। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी टीम टीचिंग होती है, उसमें सहकारिता और सहयोगिता की भावना होती है। क्यों होती है बच्चों, हमने देखा कि इसमें मैंने एक आपको विशेषता भी बताई थी। क्या विशेषता बताई थी, कि शिक्षकों की आपस की दूरी इसमें खत्म हो जाती है, यानी कि क्योंकि शिक्षक मिलकर, इसमें एक से अधिक शिक्षक जब मिलकर काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर सहयोग की भावना होगी, वो एक साथ मिलकर उस कार्य को आगे बढ़ाने की सोचेंगे। इसीलिए इसमें कहा है कि विषय, इसमें अधिगम की जो प्रक्रिया होती है, सिखाने की प्रक्रिया, उसमें सहयोगिता की भावना आती है, क्योंकि शिक्षकों का जो समूह बनाते हैं, टीम टीचिंग करवाते हैं, वो सहयोगिता की भावना पर, क्योंकि अगर ये भावना, ये सहयोगिता की भावना इस टीम टीचिंग में नहीं होगी, तो क्या होगा बच्चों, कहते हैं कि ये टीचिंग हमारी एक अपवाद की श्रेणी में आ जाएगी, या फिर हम कहें कि आपस में टकराव की स्थिति पैदा होगी। अगर ऐसा होगा तो उसका प्रभाव विद्यार्थी पर भी पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारी इस टीचिंग की जो मेथड होता है, इस
टीम टीचिंग से सहयोग की भावना आगे होती है, सहयोगिता की भावना पर आधारित होता है तथा दल में धनात्मक, क्योंकि हमने देखा है कि जब हमारे अंदर सभी चीज पॉजिटिव यानी कि सहयोग की भावना क्या है हमारे अंदर पॉजिटिविटी, तो दल में भी क्या होगा उसका पॉजिटिविटी आएगी, धनात्मक दृष्टि होने में अच्छे गुणों का वहां पर प्रसार होगा। यानी कि जो दल में है, जब हमारा एक दल का जो दल के जो नेतृत्व कर रहे हैं जब उनमें सहयोगिता की भावना है तो पूरे दल के लिए हम कहेंगे कि धनात्मक प्लस पॉइंट वहां नजर आएगा, पॉजिटिविटी वहां नजर आएगी, वहां से नेगेटिविटी हमें दिखाई नहीं देगी। इसीलिए कहते हैं कि ये जहां अधिगम प्रक्रिया में ये सहयोग की भावना उत्पन्न करते हैं, क्योंकि शिक्षक जब एक शिक्षक उसका ज्ञान देता है तो बच्चों को और सिखाने के लिए दूसरे करते हैं, बच्चे भी उसमें सीखने में इंटरेस्ट लेते हैं कि एक टीचर से सीखा फिर दूसरे टीचर से सीखते हैं। तो ये जो अधिगम प्रक्रिया चलती है शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में, इस ये सहयोग की भावना जो इसमें दिखाई देती है इसके अंदर, तो इसमें कहते हैं कि टीम टीचिंग में शिक्षकों में भी सहयोगिता की भावना होती है और शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच में। इससे क्या होता है, हमारे दल में पॉजिटिविटी आती है ना कि नेगेटिविटी, यानी कि धनात्मक दृष्टिकोण का उसमें प्रसार होता है कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, या हम कहें कि वहां से विद्यार्थी हर चीज को पॉजिटिविटी से सोचते हैं, उसे सोचते हैं कि ये कार्य हमारे लिए बहुत आसान है। तो यहाँ धनात्मक दृष्टिकोण का प्रसार होता है। फिर आता है इसका नेक्स्ट बिंदु कि विषय वस्तु संबंधित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने तथा कठिनाइयों को दूर करने का उद्देश्य इसका होता है। यानी कि जो भी हमारे कंटेंट से संबंधित जो भी हमारे पास मैटर होता है, जिसकी हमें आवश्यकता होती है, उसके प्रति हमें संतुष्टि प्रदान करने के साथ साथ ये हमारे पास जो भी हमारी कठिनाइयां आती हैं उन कठिनाइयों को दूर करते हैं। यानी कि जो भी हमारे अधिगम करने में जिस कंटेंट के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं उससे संबंधित हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, साथ में जो भी हमारे जो समस्याएं होती है विषय वस्तु से संबंधित उन समस्याओं को ये दूर करते हैं। अब चाहे वो विषय संबंधित हमारे, या हम कहें कि विषय से संबंधित हमारे पास जो समस्याएं आती, हम ये सोच सकते हैं कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, या ये हो सकता है शिक्षक उस शिक्षार्थी का इंटरेस्ट जागृत नहीं कर पा रहा है, या ये कैसे कि शिक्षक पूर्ण रूप से जो जिस विधि का मेथड का प्रयोग लेना चाह रहे हैं शिक्षक वो मेथड प्रयोग में नहीं ले पा रहे, उपकरणों का सही प्रयोग नहीं करे, तो ये जो अनेकों हमारे अधिगम में हमारी अनेकों जो हमारी कठिनाइयां हमारे सामने आती हैं, शिक्षण को सिखाने में हमारे सामने जो कठिनाइयां आती हैं उन कठिनाइयों को ये दूर करते हैं। यानी कि अधिगम में जो भी बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को ये दूर करते हैं। फिर आता है शिक्षण तथा मूल्यांकन में सामूहिक जिम्मेदारी। बच्चों शिक्षण के लिए मूल्यांकन करना, हम कहते हैं कि मूल्यांकन एक हमारी अनिवार्य प्रक्रिया होती है। मूल्यांकन में हमने बच्चों को क्या करवाया, कैसे करवाया, क्यों करवाया, उसको करने के लिए हमने क्या क्या प्रयत्न किए, क्या हमने उपकरण लिए, इन सब चीजों का अगर हम जानने की कोशिश करें तो ऑब्जर्व हम जब करते हैं, परिवेशक जब हमारे इस चीज की जब मूल्यांकन करते हैं, तो आपने देखा है कि हमारे जो प्रत्येक पक्ष होते हैं शिक्षण के अंदर, जो हमारे प्रत्येक पक्ष है उन सभी पक्षों का ये क्या करते हैं, सामूहिक रूप से उस जिम्मेदारी को निर्वाह करते हैं। इसमें कहा जाता है कि जो दल टीचिंग होता है हमारा टीम टीचिंग, उसके अंदर संपूर्ण जिम्मेदारी दल की होती है, किसी एक की उसके अंदर नहीं होती है। इसके अंदर शिक्षण तथा मूल्यांकन में सभी की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। यहाँ तक कहें कि शिक्षक के साथ साथ उस दल में जो शिक्षार्थी है उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि जो हमें टीम टीचिंग करवाया जा रहा है उसे हम ज्यादा से ज्यादा सफल बनाएं। तो इसमें कहते हैं कि जो मूल्यांकन भी होता है उसकी जिम्मेदारी भी सामूहिक रूप से, क्योंकि वहां कोई एक ही शिक्षक उसका निर्णय नहीं ले पाता है। जो हमने दल बनाया है उन दल के सभी विषय विशेषज्ञों द्वारा उस जिम्मेदारी उसका मूल्यांकन करवाया जाता है। तो ये एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है, टीम टीचिंग के अंदर जो मूल्यांकन होता है उसके लिए सामूहिक जिम्मेदारी, ये मूल्यांकन करना सामूहिक जिम्मेदारी होती है। फिर आता है हमारा लास्ट, इसमें विद्यार्थी शिक्षकों में समूह में अध्ययन अध्यापन की आदतें विकसित करते हैं। यानी कि क्या करते हैं विद्यार्थी,
जो शिक्षक हमारे कहते हैं ना कि शिक्षक जब ही हमें अच्छा पढ़ा सकते हैं जब वो स्वयं उस चीज का पूर्व में अध्ययन कर चुके होते हैं। तो इसके लिए वही चीज कही गई है कि शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी शिक्षकों में समूह में अध्ययन अध्यापन यानी किस तरीके से हमें अध्ययन करना है उस आदतों को वो विकसित करते हैं। क्योंकि समूह में अगर हम हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक विद्यार्थी का एक अपना एक दायित्व होता है उस दायित्व को पूरा करते हैं। और जो टीम टीचिंग होती है क्योंकि उसकी सफलता पूरे शिक्षार्थी या जो समूह जो दल में जो भी है शिक्षक और शिक्षार्थी उन पर आधारित होती है उनकी सफलता। इसीलिए वो समूह में किस तरीके से पढ़ना है इसकी उसमें अध्यापन करने की यानी कि अध्ययन करने की पढ़ने की आदतों को विकसित करते हैं। जहां हम ये सोचते हैं कि हमें एक ही शिक्षक आकर पढ़ाए लेकिन जो टीम टीचिंग है वो हमें ये सिखाती है कि किस तरीके से हमें एक से अधिक जब शिक्षक क्लास में पढ़ाने आए कक्षा में तो किस तरीके से हम उनके ज्ञान को अर्जित करें। तो वही अध्ययन अध्यापन की जो हमारी प्रवृत्ति होती है उसको ये विकसित करते हैं किस तरीके से समूह में रहते हुए हम पढ़ाई करें। तो बच्चों ये हमारे शिक्षण जो हमारी टीम टीचिंग है दल शिक्षण हमारी सहकारिता शिक्षण विधि इनके ये उद्देश्य थे। ये उद्देश्य मैंने आपको बताया है क्योंकि उद्देश्य जब तक हमारे निर्धारित नहीं होते तब तक हम कार्य नहीं करते। हमने बताया था कि जब हम किसी समस्या का चयन करते हैं तो हम सबसे पहले हमारे उद्देश्य ध्यान में लाते हैं कि आखिर हमने ये उद्देश्य ये जो हमने निर्धारित करे हैं यानी कि हम वो कार्य किस एम से किस उद्देश्य से करना चाह रहे हैं। इसीलिए हमें जब भी हम कोई दल कोई कार्य करते हैं तो उसके पीछे हमारे उद्देश्य जरूर छिपे हुए होते हैं कि किन उद्देश्यों को लेते हुए हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। इसीलिए मैंने आज आपको इसके उद्देश्य बताए। अब आगे बच्चों हम ये बताएंगे कि जब हम कार्य करते हैं जब हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें हमारा उद्देश्य छिपे हुए होते हैं। उद्देश्य के साथ साथ उन उद्देश्यों की प्राप्ति हमें किस सिद्धांत पर रहते हुए या हम कहें कितने रूल रेगुलेशन में रहते हुए हम उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। ये हम मानते हैं कि जब तक किसी कार्य को कोई सिद्धांत नहीं होता है हम उस कार्य को नहीं करते। हमने खुद ने भी देखा है कि जब तक हम स्वयं हमारे किसी आइडल को हमारे उनके सिद्धांतों पर आधारित होकर अगर हम कार्य ना करें तो हमारे कार्य करने में या हम कहें कि उसकी प्रभावशीलता कम हो जाती है। उस कार्य को प्रभावी बनाने के लिए हमें उन सिद्धांतों पर कार्य करना होता है। इसीलिए आगे मैं आपको सिद्धांत बता रही हूँ दल शिक्षण के कि दल शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं किस आधार पर हम कार्य करते हैं कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। तो ये दल शिक्षण के हम सिद्धांत के बारे में जानेंगे कि दल शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं दल शिक्षण के सिद्धांत। तो सबसे पहला सिद्धांत है दल शिक्षा का कि कक्षा के आकार तथा संरचना का सिद्धांत। आपने देखा है कि हमें जब हमें शिक्षण करवाया जाता है तो हमारा जो अधिगम करने का स्थान होता है वो हमारा कक्षा कक्ष होता है। तो इसमें जब हम टीम टीचिंग करवा रहे हैं तो हमारे लिए उस कक्षा कक्ष का क्षेत्र उसकी आकार उसकी संरचना ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। हमें वो स्थान उतना अवेलेबल होना चाहिए कि हम वहाँ पर टीम टीचिंग करवा सके यानी कि हमारी दल शिक्षण में यानी कि दल में हमारे कितने सदस्य हैं कितने व्यक्ति हैं उस संख्या के आधार पर हमारी क्या होनी चाहिए कक्षा कक्ष का आकार और उसका स्थान मिलना चाहिए। तो इसमें हम कहेंगे कि अधिगम करने के लिए हमें जो दल टीचिंग करवाते हैं उसका सबसे प्रथम स्थान होता है कक्षा का आकार। उस दल के अकॉर्डिंग कक्षा का आकार होना चाहिए और स्थान होनी चाहिए जहां से वो शिक्षण प्रभावी बन सके। सेकंड है शिक्षकों के उनके दायित्व का प्रदत्त करने का यानी हमने देखा है कि शिक्षक का दायित्व क्या होता है बच्चों कि अपना जो विषय है उसमें वो पारंगता हासिल करे हुए। तो इसमें कहते हैं कि शिक्षकों को अपने जो दायित्व है उनका उन्हें ज्ञान होना चाहिए या हम कहें उस विषय के वो ज्ञाता होने चाहिए जिसका वो दायित्व ले रहे हैं जिसे वो निर्वाह करना चाहते हैं यानी कि उन्हें हमारे विषय का जो ज्ञान है वो सटीक होना चाहिए जिससे कि बच्चों को वो अध्ययन करवाने में अधिगम करवाने में भी वो सटीक ही नजर आए। इसीलिए शिक्षकों के उनके दायित्व का प्रदत्त करने का
ये सिद्धांत भी इसका सबसे महत्वपूर्ण है। अगर विषय विशेषज्ञ सटीक नहीं होंगे तो उनका शिक्षण प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चे हमसे पूछना चाहेंगे जब तक हम उन्हें अपने प्रॉपर आंसर नहीं दे पाएंगे तो इससे क्या होगा, जहां शिक्षक के और शिक्षार्थी के बीच में एक दूरी आएगी, उसके साथ हमारे अंदर हम ये भी समझते हैं कि शिक्षक की अपनी खुद की अगर किसी की ज्ञान में कमी रह जाती है तो वो शिक्षक आगे जब हम उसका बच्चों के पर असर होता है, उनका जब हम मूल्यांकन करते हैं तो कहीं ना कहीं उस विषय में हमें बच्चे कमजोर मिलेंगे या ज्ञान की प्राप्ति न होने से शिक्षक स्वयं बच्चों के सामना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब उनका दायित्व सटीक होना चाहिए, अर्थात उनके जो विषय संबंधी ज्ञान है, जो विषय विशेषज्ञ है उनका, वो सटीक ज्ञान प्राप्त किए हुए होने चाहिए। फिर है हमारा अधिगम वातावरण, यानी कि जहाँ बच्चे अधिगम कर रहे हैं, जहाँ बच्चे सीख रहे हैं, उसमें ऐसा वातावरण होना चाहिए जिससे बच्चे सीखे। अब यहाँ हम सभी चीजों का प्रयोग करेंगे क्योंकि अधिगम में हमारे सभी चीज प्रयोग होती है। कौन कौन सी, हम ये कहें कि हमारी विधि, हमारे उपकरण, हमारे जो भी सहायक सामग्री होती है, इन सब चीजों का अधिगम क्या कर, जो वातावरण होता है, इन्हीं से हमारा वातावरण अधिगम का उत्पन्न होता है कि किस तरीके से इन सभी चीजों का हम शिक्षण में प्रयोग लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो अधिगम वातावरण हम प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, जिस विषय से संबंधित है, वैसा ही हमारा अधिगम वातावरण होना चाहिए। वो सभी सामग्रियां, वो सभी सहायक सामग्रियां, सभी विधि सभी बच्चों को पूर्ण रूप से मिलनी चाहिए, यानी कि जिस विषय का हम ज्ञान दे रहे हैं उससे संबंधित सभी चीजें बच्चों को मिलनी चाहिए, जिससे कि वो ऐसा वातावरण हो कि बच्चे स्वतः ही उसमें अपना ज्ञान लेने की कोशिश करें। तो जब तक हम प्रॉपर सभी चीजें बच्चों को उपलब्ध नहीं करवाएंगे तो हमारे अधिगम वातावरण नहीं प्रभावी होगा। फिर है समय तत्व, बच्चों जब तक हम जिस चीज का ज्ञान देते हैं उसके लिए अगर हमारा समय निर्धारण नहीं होता है तो वो शिक्षण हमारा प्रभाव, मानते हैं कि जो शिक्षक होते हैं वो पूर्व नियोजित करके क्यों जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने विषय का एक समय पाबंद होता है कि उन्हें इस समय में इस कार्य को पूरा करना है। अगर हमारे पास समय नहीं होगा तो शिक्षक उस ज्ञान को ना तो पूर्ण रूप से दे पाएंगे बच्चों को, क्योंकि समय हमारा सबसे महत्वपूर्ण होता है। माना जाता है कि जो हम समय होता है उस समय को हम लचीला कर सकते हैं, थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये सिद्धांत होता है कि हम जिस विषय का ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षण करवाते हैं, तो शिक्षण के लिए समय सारणी अनिवार्य होती है, यानी कि समय सारणी निश्चित कर लेनी चाहिए, समय सारणी निश्चित करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो उद्देश्य हम लेकर चल रहे हैं वो उस निश्चित समय पर हम उन उद्देश्य की प्राप्ति करवाते हैं। इसीलिए हमें जो समय होता है वो हमारा वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक ये है कि समय को परिवर्तनशील जरूर रखना चाहिए, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग हम यहाँ भी हमारे समय सारणी में हम इसमें कमी ज्यादा कर सकते हैं। फिर आता है हमारा पर्यवेक्षक, आपने देखा है पर्यवेक्षक क्या करते हैं, हमारा मूल्यांकन, यानी कि जो हमारे इंजीनियर्स आते हैं, इसमें कहा जाता है कि शिक्षण की जो प्रक्रिया होता है उसमें पर्यवेक्षक का सिद्धांत भी अनिवार्य होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि शिक्षण में हमने क्या किया, कैसे किया, कब किया, क्यों किया और क्या प्राप्त किया, ये हमारे मूल्यांकन में आता है, और किसके द्वारा प्राप्त किया, यानी कि इस मूल्यांकन में हम शिक्षण के उन प्रत्येक पक्षों को देखते हैं जिससे हमारे उस अधिगम की प्राप्ति हो रही है, जो अधिगम जो शिक्षण की प्राप्ति हो रही है, जिसका हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अगर हमारे पर्यवेक्षक ना हो, हमारा मूल्यांकन ना हो, तो हमें जो हमारी कमी है ना तो उस कमी के बारे में पता चलेगी, ना हमारी उसकी महत्वता के बारे में पता चलेगा। तो मूल्यांकन करने के लिए, जांचने के लिए हमें पर्यवेक्षक का सिद्धांत को जरूर फॉलो करना चाहिए। फिर आता है निर्देशक का स्तर, यानी कि जब हम मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन के बाद में हम ये निर्देश देते हैं कि हमने ये कार्य सही किया या उस कार्य की जो
जो पद्धतियां होती है उसे आगे बढ़ाने के लिए या हम कहें कि शिक्षण को आगे विकसित करने के लिए हम निर्देश देते हैं। ये मूल्यांकन पर आधारित होता है, उसमें जो चीजें हमारे सामने आई है उन चीजों को देखते हुए हम इसमें क्या करते हैं, निर्देश देने का स्तर होता है कि इस तरीके से हमने कार्य किया है, ये हम इस कार्य को करेंगे, यानी कि हम उसको आगे बढ़ाने के लिए उसमें निर्देश देंगे। तो बच्चों ये हमारे सिद्धांत है, शिक्षक प्रथम सिद्धांत था हमारा कक्षा के आकार तथा संरचना का सिद्धांत, सेकंड था शिक्षकों के उनके दायित्व का प्रदत्त करने का अधिकार, जिसमें कि जो हमारे विषय विशेषज्ञ होते हैं उन्हें अपने विषय से संबंधित सटीक ज्ञान होना चाहिए। फिर था हमारा अधिगम वातावरण, यानी कि जहां बच्चे शिक्षण लेते हैं। फिर था हमारा समय तत्व, यानी कि समय सारणी, हम जो समय चक्र बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं। फिर था हमारा पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक क्या करते हैं, हमारा मूल्यांकन कि हमने उस कार्य को किस तरीके से किया, कितने समय में भी किया, किस किस तरीके से किया, ये सब हमारे इस मूल्यांकन में इस पर्यवेक्षक के द्वारा हमें पता चलता है। फिर आता है हमारा निर्देशन स्तर का, निर्देशन स्तर का सिद्धांत, अर्थात जो हमने मूल्यांकन में जांचा उसे हम निर्देश करके किस तरीके से हम उसे आगे विकसित कर सकते हैं। तो ये बच्चों हमारे टीम टीचिंग के आज उद्देश्य और सिद्धांत, इसका नया टॉपिक लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगी। थैंक यू।